अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फंक्शनल एनालिसिस पढ़ना स्टार्ट करना है। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर है फंक्शनल एनालिसिस का। तो सबसे पहले, क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस में जो सबसे मेन टॉपिक है वो हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है, और हिल्बर्ट स्पेस में जो अहम अहम डेफिनेशंस हैं वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, नॉर्म हमारे पास क्या होता है, और इसके अलावा आगे भी आपको काफी सारी इसमें डेफिनेशंस मिलेंगी, और इसके अलावा इसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी। वैसे फंक्शनल एनालिसिस में डेफिनेशंस कम है, थ्योरम की स्टेटमेंट ज्यादा है, और पेपर में फंक्शनल एनालिसिस में ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट ही पूछी जाती है, क्योंकि इसमें ज्यादा डेफिनेशंस तो है नहीं, लेकिन जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी में मेन चीज डेफिनेशन ही पूछी जाती है, उसमें जो स्टेटमेंट है वो कम याद की जाती है। तो सबसे पहले, क्योंकि आज हमारा हिल्बर्ट स्पेस का चैप्टर है, तो हिल्बर्ट स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो फील्ड और वेक्टर स्पेस क्या होते हैं। इसके बाद हम इनर प्रोडक्ट में आएंगे, और फिर उसके बाद हम हिल्बर्ट स्पेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि व्हाट इज फील्ड। तो फील्ड हमारे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट एफ होता है जिसपे दो बाउंड्री ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एक एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। और एफ को हम फील्ड तब कहते हैं जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि एफ हमारे पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप का मतलब ये है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसको अक्सर हम कम्यूटेटिव भी कहते हैं, लेकिन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव का वर्ड कम यूज किया जाता है और अबेलियन ग्रुप का वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पर अबेलियन भी लिखा हुआ है और उसके अलावा इसके साथ ग्रुप भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एफ हमारे पास पहले ग्रुप बनाएगा और फिर उसके बाद वो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां तक मेरा ख्याल है आपको ग्रुप का आइडिया कुछ होगा कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप हमारे पास एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है जो कि चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी और फिर इनवर्स। इसके बाद हम जब ग्रुप स्टार्ट करेंगे तब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन से बता दूंगी कि ग्रुप थ्योरी क्या होती है, और फिर इसमें काफी ज्यादा डीप जाएंगे हम, और फिर हम शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई सेट हमने लिया वो ग्रुप है कि नहीं है, या कोई भी सेट अगर गिवन है तो उसके टोटल कितने पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो बट फिलहाल हम फील्ड पे हैं तो हम फील्ड पे ही रहते हैं, किसी और सब्जेक्ट में नहीं जाते। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एफ आपके पास अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, वो भी अंडर एडिशन होना चाहिए, यानी अंडर एडिशन आपने चेक करना है कि वो ग्रुप ही है और अबेलियन की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास उसकी ये है कि अगर आप एफ में से जीरो को निकाल दें तो तब भी वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, बट होना चाहिए वो अंडर मल्टीप्लिकेशन। खुद सोचिए आप कि किसी भी सेट को या कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उसको ग्रुप चेक करना बहुत ईजी है, लेकिन तब इजी है जब आप अंडर एडिशन काम करते हैं, लेकिन अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो सारे मसले वहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमें ऐसे सेट मिलते हैं जिसका एक तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता या उसमें जीरो आ जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रुप या अबेलियन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अब आप खुद देख लें, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें या सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ले लें। अब सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, आपको पता है इंटीजर्स होता है 0, +-1, +-2, +-3, अप टू 16। अब ये हमारे पास फील्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? सबसे पहले तो आप ये देखें कि क्या ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एफ आपके पास, यानी जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन। तो आप खुद माइंड में सोच लें कि आप किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करें तो आपके पास वो उसी इंटीजर्स के सेट में बिलोंग करेगा। आप ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज जब सेट ऑफ इंटीजर्स पे अप्लाई करेंगे तो वो इजीली होल्ड करेगा। तो पहली प्रॉपर्टी चेक करना हर सेट के लिए इजी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जीरो नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचिए उसने जीरो क्यों निकाला है। जीरो असल में उसने इसलिए रिमूव किया है क्योंकि जब हम जीरो का इनवर्स लेते हैं
आपको पता है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन किसी भी सेट का इनवर्स जो होता है, या किसी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो 1/2 है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 का आप इनवर्स लो तो 2 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो 1/2 है। तो सिमिलरली अगर हम 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेते हैं तो वो 1/0 है, जो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने सेट में से 0 रिमूव कर दें तो हमें काफी आसानी हो जाएगी और काफी सारी प्रॉपर्टीज वो सेट सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इस वजह से वो यहाँ से 0 को रिमूव कर देता है। तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में हमने 0 ऐड नहीं करना, एक मसला हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। लेकिन एक और मसला भी आ रहा है, कि वो मसला ये है कि जब हम इंटीजर्स में मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखते हैं, जैसे 2 है, 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/2 है, और 1/2 सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसने इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास फील्ड नहीं बना रहा। सिमिलरली आप इरेशनल नंबर ले लें, इरेशनल नंबर तो हमारे पास स्क्वायर लॉ को ही होल्ड नहीं करते अंडर मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है कि अगर आप √2 का जो है वो मल्टीप्लीकेशन करें √2 के साथ, तो आपके पास 2 आएगा, और जो 2 है वो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं है, 2 इज अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने क्लोजर लॉ लगाया, यानी आपने 2 इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास इरेशनल नंबर नहीं आया बल्कि एक रैशनल नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इरेशनल नंबर्स है वो फील्ड नहीं होते, क्योंकि वो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। उसके बाद रियल नंबर ले लें, कॉम्प्लेक्स ले लें, या रैशनल ले लें, ये सारे के सारे इजीली फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये हमारे पास फील्ड बन जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करना हमारे लिए इजी है। वो इसलिए इजी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करना, क्योंकि कुछ सोचें, जो सेट इतनी सारी टफ कंडीशन से होके गुजरा है वो ये तीसरी प्रॉपर्टी भी इजीली सेटिस्फाई कर सकता है। इसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वो 2 एलिमेंट को ऐड करके अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल हो जाए। ये चेक करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हमने पढ़ना है कि वेक्टर स्पेस क्या चीज होती है। फील्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, और सिंपल वर्डिंग में फील्ड हमारे पास एक स्केलर होता है। स्केलर मीन कोई नंबर होता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, और मोस्टली स्केलर जो होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं, यानी कोई कांस्टेंट लेते हैं, वी लेते हैं, सी, अल्फा, बीटा, गामा। अक्सर आप आगे पढ़ेंगे तो आप फील्ड को स्केलर मान के चलेंगे। तो अब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर स्पेस हमारे पास क्या होता है। सपोज करते हैं कि वी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एफ हमारे पास एक फील्ड है। तो V और F को हम कहेंगे कि वो वेक्टर स्पेस है, लेकिन तब कहेंगे जब वो हमारे पास कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ये सारी इसकी कंडीशन है जो कि वेक्टर स्पेस हमारे पास सेटिस्फाई करता है। पहले ये कि जो वेक्टर स्पेस है वो बिलियन होना चाहिए अंडर एडिशन। बाकी उसका मतलब ये है कि अगर हम 2 वेक्टर्स को ऐड करें, ऐड करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर और इसका आंसर सेम होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम 2 फील्ड को ऐड करते हैं और किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करता है। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपने MCQs प्रिपेयर करने हैं। तो वो कोशिश करेगा कि आपको छोटी सी चीज दे जो वो भी टफ और आपको तो ऑप्शन लगाने में भी मुश्किल है। तो मोस्टली ये वो एग्जाम्पल है जो पेपर में काफी बार लेक्चरर के टेस्ट में पूछी जाती है। किसी भी जॉब मैथ्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये वो इजीली पूछ लेता है। ऐसे में कोई सेट दे देता है या कहता है, या कह देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस, फिर ABCD में ऑप्शन दे देगा कि कौन कौन सा वेक्टर स्पेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने ये दे दिया है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है, आप कैसे चेक करोगे कि ये वेक्टर स्पेस है? आपने करना ये है कि अगर आपके पास बाहर बड़ा नंबर हो और अंदर छोटा हो, यानी R आपके पास C का सबसेट है, तब आपके पास ये जो सेट है ये हमेशा वेक्टर स्पेस बनाएगा। या अगर दोनों सेम सेम है तब भी वो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यानी सेम सेम है वेक्टर स्पेस बनाएगा, और दूसरा अगर अंदर आपके पास छोटा जो है वो एलिमेंट आ रहा है और बाहर बड़ा है,
तो तब भी हमारे पास वो वेक्टर स्पेस बनाता है। सिमिलरली अगर आप आर ओवर क्यू करते हो तो क्यू आपके पास एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये भी लाजमी हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाएगा। और उसके अलावा दोनों हमारे पास फील्ड भी बनाते हैं तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। सिमिलरली आर भी आपके पास फील्ड होता है और हर सेट अपना सबसेट तो लाजमी होता है। सो दैट इज वाई ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है। और रैशनल नंबर भी हमारे पास फील्ड थे और इसके अलावा हमें पता है कि हर सेट अपना सबसेट लाजमी होता है। सो इट मीन्स ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस है। अब कौन सा वो सेट है जो वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता? अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अंदर कोई बड़ा सेट आ जाए और बाहर छोटा आ जाता है तब आपके पास वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, यानी कंडीशन रिवर्स हो रही है। या आपके पास अगर इसमें से कहीं पे भी जेड लिखा आ जाए या इरेशनल नंबर लिखा आ जाए, यानी ऐसा आपके पास कोई नंबर आ जाए जो फील्ड ना हो, क्योंकि आपको पता है कि वी और क्यू प्राइम हमारे पास फील्ड नहीं होते। अगर फील्ड नहीं है तो इट मीन्स वो वेक्टर स्पेस भी नहीं है। तो अगर इस तरह किसी भी सेट में आपके पास जेड लिखा हुआ आ जाए या क्यू प्राइम यानी इरेशनल नंबर लिखा आ जाए तो आप खुद ही कह दोगे कि वो आपके पास वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो फील्ड ही नहीं है। तो ये इस तरह के आपके पास जो एमसीक्यूज है ये पास पेपर्स में आ चुके हैं। अब हम अपने मेन डेफिनेशन पे आते हैं कि व्हाट इज इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो वी अगर हमारे पास कोई लीनियर स्पेस है, अब वेक्टर स्पेस का सेकंड नेम है लीनियर स्पेस। अक्सर औकात इंटरव्यू में ये आपको पूछ लेता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ वेक्टर स्पेस, तब आपको पता होना चाहिए कि इसका सेकंड नेम है लीनियर स्पेस। फील्ड आपके पास सिंपल है जो मैंने पहले फील्ड की डेफिनेशन बताई, बट इनर प्रोडक्ट में आपने सिर्फ दो ही फील्ड लेनी है, ये चीज याद रखनी है, एक आर और एक सी। अब आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे या एग्जाम्पल करेंगे तो आपने हमेशा फील्ड को आर लेके चलना है या सी लेके चलना है, और आपने सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ इन दो नंबर्स पे ही अप्लाई करनी है और आपने कोई नंबर कंसीडर नहीं करना। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस असल में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि वेक्टर स्पेस के प्रोडक्ट से फील्ड के ऊपर मैप हो रहा होता है। और यहाँ पे डॉट कॉमा डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है डॉट हमारे पास इनर प्रोडक्ट को शो कर रहा है। जैसे आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था कि क्रॉस को हम क्रॉस प्रोडक्ट को इसे शो करते हैं और डॉट को इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली इनर प्रोडक्ट को भी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको ऐसे जो है पेयर में लिखा जाता है। और इस साइन को आप अक्सर पढ़ते होंगे, जनरेटर का साइन, ग्रुप थ्योरी में ये जनरेटर के तौर पर यूज होता है। और इसको आप कभी भी ऑर्डर पेयर नहीं कहोगे, ये ऑर्डर पेयर नहीं है, क्योंकि आगे जाके जब हम इनर प्रोडक्ट के दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने उसको ऑर्डर पेयर समझ के मल्टीप्लाई नहीं करना, वहां पर मल्टीप्लाई का मेथड बिल्कुल चेंज है। तो ये नोटेशन है इनर प्रोडक्ट की। अब आपको पता है कि अगर किसी सेट को वी क्रॉस वी में लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं और उसको कोमा से सेपरेट किया जाता है। जैसे आप लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं वी क्रॉस वी को, ए कोमा बी लिखते थे, तो सिमिलरली इसको लिखने का जो तरीका है वो भी सेम है। तो इनर प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है पॉजिटिव डिफिटनेस। इसके नाम से ही शो हो रहा है कि नंबर आपके पास पॉजिटिव होगा, यानी जो आप स्पेस कंसीडर करके चल रहे हो वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स जीरो और जीरो से अबव है, नेगेटिव में आपने कभी भी नहीं जाना। तो अगर आपको याद हो आपने कभी टोपोलॉजी पढ़ी होगी, मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा होगा, या मोड की कंडीशंस पढ़ी होंगी मॉड्यूलस की, तो उसमें भी आप लोग ऐसे ही कहते थे कि जो आपके पास स्पेस है या जो फंक्शन को आप डिफाइन कर रहे हो वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पॉजिटिव को शो करता है। और दूसरी उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर आप एक्स को मैक्स का इनर प्रोडक्ट लो, अगर वो जीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि एक्स भी जीरो है। कुछ सोचें, अगर आप इसको जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें, तो जीरो 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 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास इसकी कंडीशन सेटिस्फाई है। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लिनियरिटी में आपने ये करना होता है कि अगर आपने एक्स वाई जेड वेक्टर स्पेस से एलिमेंट लिए हैं तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी में अगर एक्स प्लस वाई कॉमा जी आ जाए तो आपने एक्स को एक बार जेड के साथ लिखना होता है और वाई को भी एक बार जी के साथ लिखना होता है, और एडिशन का साइन सेंटर में आ जाता है। इस तरीके से लिखने को हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। अब पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएगा? पेपर में ऐसे उसने लिखी होगी कोई प्रॉपर्टी और ए में ऑप्शन दिया होगा कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड,
हर्मिशियन प्रॉपर्टी, होमोजेनिटी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी या कुछ भी वैसा आपसे जो है वो पूछ सकता है, तो इसका जो है वो आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी में एक चीज ध्यान रखनी है, अब हम हमारे इनर प्रोडक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक रियल में और एक कॉम्प्लेक्स में। यानी रियल में और कॉम्प्लेक्स के हिसाब से हम थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। अब आपने ये देखना है कि रियल में कैसे लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स में कैसे लिखते हैं। अगर आपके पास फील्ड रियल है तो रियल में आपने क्या करना है, आपके पास अगर ए एक्स कोमा वाई लिखा हुआ है तो ए आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स की बात करोगे तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा एक्स सिंपल आता है और सेकंड वाले के साथ स्केलर आता है, और जब इसके ऊपर होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो हमेशा हमेशा जो स्केलर होता है आपके पास वो बाहर आता है, लेकिन उसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन आ जाता है। रियल में कॉन्जुगेट का साइन नहीं आता है, जबकि कॉम्प्लेक्स में कॉन्जुगेट का साइन आता है। बाकी चीज दोनों की जो है वो सेम ही रहती है, बस एक में कॉन्जुगेट आता है और एक में नहीं आता। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बाकी सेम प्रॉपर्टी है। और हर्मिशियन में भी सेम ऐसे है। अगर हम रियल नंबर्स की फील्ड की बात करेंगे तो एक्स कोमा वाई में जब हर्मिशियन प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो वाई कोमा एक्स आ जाएगा। सिंपल वर्डिंग में अगर आपको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी याद हो तो उसमें हम कहते थे कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो ये वैसे ही उससे रिलेटेड है हर्मिशियन प्रॉपर्टी। आप उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करके बता सकते हो कि एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर इटसेल्फ होता है, सो दैट इज वाई यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। और कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बार लगाना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स कोमा वाई है तो अगर आप इसका हर्मिशियन लो तो इसके ऊपर ऐसे करके बार का साइन आ जाएगा। जैसे ये लिखा एक्स कोमा वाई के ऊपर अगर बार है तो आप इक्वल में लिख दोगे वाई कोमा एक्स, या अगर आपके पास इसने वाई पहले लिख दिया एक्स पहले लिख दिया उसका बार लिया तो आप एक्स कोमा वाई लिख दोगे। पेपर में अब कैसे आएगा, पेपर में वो फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी लिख देगा और कहेगा कि इक्वल टू। अब इक्वल में ए ऑप्शन में वो आपको ये दे सकता है, ये भी दे सकता है, कुछ और भी दे सकता है, बेशक ये दे दे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको लिखने का मेथड सिर्फ यही एक ही है, सो आपने इसको याद रखना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये दोनों चीजें कभी भी इक्वल नहीं होती, रियल में होती है लेकिन कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं कि जो हमारा पेयर है वी का इनर प्रोडक्ट के साथ वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। अब आपने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो है वो याद रखना है, ये थ्योरम्स की स्टेटमेंट है। जाहिर बात है आपने प्रूफ तो नहीं करना क्योंकि आपने एमसीक्यू तैयार करने हैं, तो आप थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो जाहिर बात है हम इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात कर रहे हैं जिसमें वेक्टर स्पेस आ रहा है, तो अगर एक्स वाई जेड वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं और ए भी हमारे पास फील्ड के एलिमेंट है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए एक्स प्लस बी वाई कॉमा जी है वो हमें उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने लीनियर प्रॉपर्टी की थी रियल नंबर में, सेम वैसी ही है। इसको सेम वही समझें, ये दो प्रॉपर्टी का मिक्सचर है कि ए स्केलर बाहर आ गया और एक्स को एक बार आपने जी के साथ लिख दिया, प्लस करके बी स्केलर बाहर आ गया और वाई को आपने जेड के साथ लिख दिया। इसमें कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। सेकेंड में ये है कि अगर एक्स ए वाई है तो आपने ए को बाहर ले गए और एक्स वाई लिख दिया, ये सेम हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, लास्ट वाली हर्मिशियन प्रॉपर्टी है। फिर उसका प्रूफ भी हल्का सा मैंने बता दिया कि कैसे ये उसके बराबर आता है कि एक्स कोमा ए वाई है तो हर्मिशियन प्रॉपर्टी जब अप्लाई हुई तो अंदर से एलिमेंट की पोजीशन चेंज हुई और उस पर कॉन्जुगेट का साइन आ गया। और हमें पता है कि अगर मैं रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पर अप्लाई करूँ तो स्केलर बाहर आ जाएगा। जाहिर बात है होल पे कॉन्जुगेट था तो ए के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा।
बाकी एलिमेंट आपके पास वैसे के वैसे आ जाएंगे। और ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी थी कम्प्लेक्स में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल वर्डिंग में उसने दो से तीन प्रॉपर्टी का मिक्सचर किया और मिक्सचर करके थ्योरम को प्रूव किया। तीसरी प्रॉपर्टी में ये है कि अगर एक्स पहले आ जाए और सेकेंड में एलिमेंट आ जाए तो वो इसके बराबर होता है। ये असल में हमारे पास लीनियर प्रॉपर्टी को और हर्मिशियन प्रॉपर्टी का मिक्सचर करके बताया है, तो पेपर में वो आपको ऐसे दे सकता है, इस ये लिख देगा और कहेगा बताओ ये किसके बराबर है, तो आपको जरिए बता ये पता होगा तो आप इस पे जो है वो टिक लगा देंगे। हो सकता है कि वो बार ना दे, एक में बार दे देगा दूसरे में नहीं देगा, फिर सी में वो कुछ और भी दे सकता है, तो आपको पता होगा कि बार वाली ही हमारे पास सही ऑप्शन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्म की। अभी कल हम डिकम्पोजिशन ऑफ हिल्बर्ट स्पेसेस करेंगे और उससे नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्म का चैप्टर करेंगे। नॉर्म का चैप्टर असल में बहुत लेंथी है, तो वो टाइम लगेगा और उसको करना भी अच्छे से है क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज नॉर्म में से ही आते हैं, तो उसको फिर अच्छे से हम करेंगे। तो फिलहाल आप ये डेफिनेशन समझ लें कि नॉर्म क्या होता है। नॉर्म को हम ऐसे डबल मॉड के साइन से डिनोट करते हैं, और मो जो नॉर्म है ये भी चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। उसमें भी सेम ऐसे है कि आपके पास नॉर्म की प्रॉपर्टी में पॉजिटिव डिपेंडेंस आता है। ये अभी हम आगे करते हैं, फिर आपको मैं बताती हूँ कि नॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिलहाल आप जो है ये देख लें कि नॉर्म का और इनर प्रोडक्ट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, ये नॉर्म का और ये इनर प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो मुझे फंक्शन गिवन दिया है ये क्यों दिया है, इन दोनों के रिलेशनशिप से मैं ये बता सकती हूँ कि क्या इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है कि नहीं है। तो हम इसका भी प्रूव करते हैं कि कैसे हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस होती है। लेकिन उससे पहले आप एक प्रॉपर्टी माइंड में रख लें, काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, या इसका सेकंड नेम है काशी बनियाकोस्की इनइक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टली एमसीक्यूज में इजीली ये तो आ ही जाता है। ये भी याद रखिएगा कि ये काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी नॉर्म और इनर प्रोडक्ट की है, बिकॉज अभी आप जब टोपोलॉजी में जाएंगे तो तब थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। रियल एनालिसिस में भी काशी श्वार्ट्ज की जो स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है, बिकॉज वहां पे नॉर्म का और इनर प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सो दैट इज वाई वहां पे चेंज हो जाती है प्रॉपर्टी। बट अगर फंक्शनल में से है तो वो आपको बताएगा कुछ ना कुछ कि अगर आपके पास दो एलिमेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस में से है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इनर प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास नॉर्म में आता है, यानी फंक्शनल में आता है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाली हमारे पास काशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। इसमें ये होता है कि अगर आप एक्स कॉमा वाई का इनर प्रोडक्ट लेते हैं और उसका अगर आप मॉड लो तो वो इक्वल होता है एक्स नॉर्म डॉट वाई नॉर्म के। इसको हम आगे यूज भी करेंगे थ्योरम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस। मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ था एक कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास नॉर्म स्पेस होती है, और हर नॉर्म स्पेस हमारे पास मीट्रिक स्पेस होती है, और हर इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस होती है। ठीक है, पेपर में वो पूछ सकता है कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज, अब ऑप्शन दे देगा, नॉर्म स्पेस देगा, कुछ और भी वो ऑप्शन दे सकता है, मीट्रिक स्पेस भी दे सकता है, या कोई टोपोलॉजिकल स्पेस दे सकता है, और भी काफी स्पेसेस हैं आपको पता है, टी नॉट स्पेस दे सकता है, सेपरेशन एग्जिम्स में से पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये टेबल एक टाइप का है, इसको याद कर लें कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म होती है, नॉर्म मीट्रिक होती है, बट मीट्रिक जो है वो नॉर्म नहीं होती और नॉर्म जो है वो इनर प्रोडक्ट नहीं होती। तो सिमिलरली हर जो मीट्रिक स्पेस है वो आपके पास इनर प्रोडक्ट भी नहीं होती। इसका प्रूफ भी वैसे चेक करना बहुत ईजी है। पहली ये है कि अगर इनर प्रोडक्ट नॉर्म है तो कैसे है, आपको रिलेशनशिप गिवन था ऊपर, आपने क्या करना है इसको नॉर्म प्रूव करने के लिए नॉर्म की प्रॉपर्टीज अप्लाई करना स्टार्ट कर देनी है। नॉर्म की पहली प्रॉपर्टी वही पॉजिटिव डिफिटनेस जैसी है कि नॉर्म जो है वो एक तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। आपको पता है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, ये बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एक्स का जो नॉर्म है वो इक्वल टू जीरो होता है, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेकेंड में उसने प्रॉपर्टी में उसने ये दिया है, ये नॉर्म की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्केलर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और उसका नॉर्म लो तो तब ए का मॉड आ जाता है और एक्स का नॉर्म आता है। अब एक चीज याद रखिएगा, मॉड्यूलस में और नॉर्म में फर्क होता है। मॉड्यूल मॉड्यूल जो जिसको हम सिंपल मॉड कहते हैं मॉड्यूलस को, और मॉड का मतलब ये होता है कि आपके पास नंबर जो है हर नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाता है, उसमें और नॉर्म में फर्क है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि नॉर्म जो है वो हमारे पास एक डबल पॉजिटिव नंबर होता है, यानी डबल टाइम जो है वो मॉड लिया जाता है,
वैसे वो बात भी ठीक है, क्योंकि जो असल में अगर देखा जाए नॉर्म पॉजिटिव ही नंबर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव का तो मैं वैसे भी जिक्र नहीं करता, लेकिन नॉर्म इनर प्रोडक्ट स्पेस में है और ये एक डिफरेंट चीज है। इसको हम डिफरेंट हिल्बर्ट स्पेस में अप्लाई करते हैं, जबकि जो सिंपल मोड होता है इसका मतलब सिंपल किसी भी टर्म को जो है वो पॉजिटिव करना है, इसका और उसके साथ कोई खास रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इन दो कॉन्सेप्ट को साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इनको डिफरेंट कॉन्सेप्ट में ही रखिएगा। उसने यहाँ पर मोड इसलिए बताया, उसने कहा कि जब आप जो भी नंबर लोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, सो दैट इज वाई उसने यहाँ पर मॉड्यूल्स का जिक्र किया है, अदरवाइज वो कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा है यहाँ पर। सो इसको जरा ध्यान से रखे कीजिएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी, अभी हमारा लेक्चर का टाइम रन हो रहा है, मैं नेक्स्ट में।